सोनी पिक्चर्स आ चुका है एक नए सीक्वल के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिहास फिल्म रिव्यू। 2018 में आई एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के सीक्वल के साथ आ रहा है सोनी पिक्चर्स, जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। आज ही इस मूवी का टीजर आया है 2:30 PM, और इसका ट्रेलर हम लोग को देखने को मिलेगा 4 अप्रैल को, यानी कल ही। जैसा कि पता है, ये मूवी मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है, और हर 5 साल के अंदर सोनी वालों को मार्वल कॉमिक्स से ऊपर मूवी बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज वो कॉपीराइट खो देंगे मार्वल कॉमिक्स वालों की तरफ से। पहले तो ये मूवी US में लास्ट ईयर अप्रैल में आने वाली थी, पर कोविड के कारण इसकी डेट 2 जून 2023 कर दी गई है, और इसका तीसरा इंस्टॉलमेंट 29 मार्च 2024 का शेड्यूल किया गया है, जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। पर इतनी जल्दी आने की उम्मीद ये मूवी की कम है। अब तक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में ये दिखाया गया है कि कैसे माइल्स नया स्पाइडरमैन बन जाता है, जिसके पास बहुत सी ऐसी पावर्स भी हैं जो बाकी स्पाइडरमैन के पास नहीं है अलग अलग यूनिवर्स के, और कैसे बाकी यूनिवर्स से आए स्पाइडरमैन को माइल्स उनके यूनिवर्स में भेजता है और दुश्मनों को मारकर सुपर कोलाइडर मशीन को क्लोज कर देता है। आप कितने एक्साइटेड है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर के लिए, जो कि 4 अप्रैल को आने वाली है, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।